गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारा जो पॉली पैनल आता है वो कोई भी मॉडल का हो, यानी कि 100 वाट, 50 वाट, 150 वाट, 180 वाट, कुछ भी हो। दोस्तों आज हम चेक करेंगे कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद हमारा पॉली पैनल कैसे परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों इस तरीके का वीडियो आपको यूट्यूब पे कम ही मिलेगा कि आफ्टर 3 इयर्स परचेस करने के बाद पॉली पैनल का परफॉर्मेंस कैसा होता है। दोस्तों आपको प्रूफ के साथ भी बताएंगे। दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पॉली पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो दिन के दिन जब आपका पुराना होगा तो उसका परफॉर्मेंस आपको घटता रहेगा। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस उसका घटता है और हम लोगों को कितना परसेंट उसमें से आउटपुट मिलता है 12 बजे में टेस्ट करके आपको बताएंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि पॉली पैनल परचेस करना है या फिर मोनो पैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक 100 वाट का पैनल है। दोस्तों इसको परचेस किया था मैंने 2018 के जनवरी में। तो दोस्तों जनवरी से 2018 से लेकर आप 2021 हो चुका है, तो लगभग 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और कुछ 5 और 6 महीना भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हम लोग छत पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तो बादल नहीं है आसमान में, एकदम रोद हमारा जो सोलर पैनल में ठीक ठाक से पैनल पे ऊपर एकदम ठीक ठाक से है, तो हमारा जो पैनल का परफॉर्मेंस भी वो अच्छा देना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि ये सुकाम का पैनल है और ये भी एक सोलर इंडिया का पैनल है, दोनों ही 100 वाट का है। और आप देख सकते हैं कि सुकाम का स्टिकर पीछे लगा हुआ है, तो इसके जरिए से हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट और लास्ट की। दोस्तों हम लोग पहले हमारा जो MC4 कनेक्टर है इसको अनप्लग करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज आपको मेजर करके बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों ओपन सर्किट मामले के लिए आपको क्लैंप मीटर नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्लैंप मीटर से आपका रीडिंग 0 यानी कि उसके आसपास ही आएगा। दोस्तों हम लोग इससे मेजर करेंगे जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसको। दोस्तों मल्टीमीटर में हम लोग पैरामीटर सेट कर लेते हैं DC वोल्ट में, और जो आप 20 वोल्ट से ऊपर रखें, क्योंकि दोस्तों 12 वोल्ट का जो पैनल होता है और 20 प्लस उसका वोल्टेज होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो हम लोग सिंपली इसका जो वोल्टेज है वो माप लेते हैं। अब देख सकते हैं कि 19.45 के आसपास हो रहा है। दोस्तों ये जो आपको स्टिकर दिया है पीछे के साइड, आप देख सकते हैं कि इसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है 21 वोल्ट के आसपास, लेकिन हमारा जो ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है वो है 19. कुछ समथिंग, यानी 20 के आसपास है, तो ठीक ठाक ही है। दोस्तों मेरा भी जब पहले परचेस किया था तो वो 20 के आसपास ही था, अभी भी 20 के आसपास ही है, तो एकदम कड़ा टक्कर दे रहा है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं एम्पियर मेजरमेंट के लिए। दोस्तों एम्प मेजरमेंट करने के लिए आपका जो प्रोब है तो एम्पियर लगा लीजिए और पैरामीटर एम में सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 4.84 के पास, यानी कि 4.9 के आसपास इसका जो एम्पियर है वो दे रहा है अभी। दोस्तों ये जो एम्पियर है ये ओपन सर्किट वोल्टेज में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4.9 के समथिंग आपका दे रहा है, यानी कि 5 के आसपास, तो धूप ज्यादा तेज नहीं है, नहीं तो ये 5 अभी भी देता है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट सर्किट करंट हम लोगों को जो लिखा हुआ है वो है दोस्तों 6.1 से 3, तो दोस्तों 6 जो एम्पियर है मुझे जो परचेस किया था तब भी नहीं मिलता था। दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी आपका स्टिकर से देता है, उसका जो आउटपुट मिलता है एक का रेफरेंस पकड़ के सभी का देता है, तो ये कुछ बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका परफॉर्मेंस आपको कितना मिल रहा है वो हमको देखना है। तो दोस्तों हमारा जो सिंपली वोल्टेज के साथ जो एम्पियर आया था तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आता है 95.5 वाट, यानी कि आपका जो वाट मिल रहा है 95 वाट। आप लोग ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेशन करोगे तो उधर जो मेजर किया था 20 × 6 यानी कि 120 वाट ऊपर चला जाता है, लेकिन दोस्तों हमारा पैनल है 100 वाट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों आप लोग हमारा जो कैलकुलेशन करके आया है 95 वाट, यानी कि दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि 120 वाट जो ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है उन्होंने, तो उधर से मुकाबले 80% एफिशिएंट है। आप लोग देख चुके हैं कि जो सुकम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। दोस्तों पॉली पैनल का परफॉर्मेंस 3 इयर्स के बाद बहुत ही अच्छा हुआ है मेरा अभी तक, क्योंकि दोस्तों सुकम जो ब्रांड है ये अच्छा क्वालिटी का ब्रांड था तभी भी, दोस्तों अभी भी है, लेकिन दोस्तों इसका नाम थोड़ा चेंज हो चुका है। तो सुकम बहुत ही अच्छा कंपनी है, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है। दोस्तों तब भी का समय ये ब्रांड बहुत ही चलता था
और इसका प्राइस अभी के आज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा होता था, क्योंकि दोस्तों 100 वाट का पैनल तब के समय आपको 5000 के ऊपर मिलता था। अभी तो जो मार्केट में मिलता है 100 वाट का कोई भी अच्छा ब्रांड, जैसे कि लुमिनस है, लूम सोलर है, उसका प्राइस आपको 4000 से लेकर 4500 के आसपास मिलता है। लेकिन दोस्तों तब के टाइम में बहुत ही ज्यादा मिलता था। दोस्तों इसके सबसे जो पॉलीपैनल का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं आपके पास पुराना पैनल है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अब अच्छा लगा होगा।